कांडों में संलिप्त 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिछले दिनों आगम कुआ स्थित लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड के 50 लाख रुपए लूट जाने के मामले में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस लूटकांड को प्रोफेशनल गैंग ने अंजाम दिया था। पंजाब नेशनल बैंक में 50 लाख जमा कराने जा रहे कंपनी के स्टाफ से पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने 25 अक्टूबर को रकम लूट ली थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से 2 देशी पिस्तल, 3 मैगजीन, 20 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने गोपालपुर थाना इलाके में हुए डकैती कांड के मामले में भी खुलासा किया है। 24 और 25 अक्टूबर की रात गोपालपुर थाने के बुटाई टोला स्थित मनोहरपुर कछुआड़ा में विजेंद्र प्रसाद के घर में घुसकर अपराधियों ने डकैती की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार अपराधियों में संजीत कुमार उर्फ संतोष उर्फ सुखा भी शामिल है। राजीव नगर थाना इलाके से बहुचर्चित पंचवटी चोरस डकैती कांड में सुखा फरार चल रहा था। उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोपालपुर में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। 9:30 बजे के आसपास 50 लाख रुपए की लूट हुई थी और 50 लाख रुपए की लूट हुई थी लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर है, फूड ऑयल के। वो आपके 0 माइल के पास ही उनका गोदाम है, घर में ही गोदाम चलाते हैं। तो घटना पहले झपट्टा के रूप में प्रतिवेदित हुई, समझने में दिक्कत हुई विक्टिम को, और फिर जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तब वहाँ एक गोली भी मिली थी। और जब अपना कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया तो 50 लाख रुपए उनके थे। हम लोग गए भी थे पीओ पे, सीडीएसपी ईस्ट भी गए थे, और हम लोग फिर बाद में पूरे दिन वहाँ टीम थी और उनके गोदाम पे भी हम लोग गए थे। तो एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनका कथन सही है, 50 रुपए तो होगा ही, उनका ट्रेड भी प्रॉपर है, एस्टेब्लिश ट्रेड है और हर दिन उनका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा रहता है। संयोगवश 25 तारीख के पहले 24 और 23 दोनों दिन बैंक की छुट्टी थी, तो वो पैसा भी इनके पास था। तो हम लोग हर एंगल से अनुसंधान इसे किए और ये मानते हुए कि चूंकि इन लोगों का जो पोलदारी करता है या जो लेबर क्लास का आदमी होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई एक लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उनमें से कोई लाइनिंग दिया होगा। इसमें ये बताना जरूरी होगा कि इन्हीं के गोदाम के एक पिकअप की लूट जकनपुर थाना में कुछ दिनों पहले हुई, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और गिरफ्तारी हुई, पिकअप भी बरामद हुआ, माल भी बरामद हुआ। उसमें यह पता चला था कि इनका पुराना ड्राइवर जिसने घटना करवाई थी, तो हम लोग उस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे। लेकिन बाद में टेक्निकली जब हम आगे बढ़े, एक इसमें ये एंगल भी खतरनाक एंगल है, अब अपराधी कितना चतुर हो गया है। और ये मुझे लगता है कि हम लोग जितने डिटेल से आप लोगों को पीसी करके बताते हैं, या फॉर दैट मैटर आप लोग जो अति उत्साह में बहुत सारा डिटेल पेपर में छापते हैं, जिसकी वजह से अपराधी कितना एजुकेट हो रहा है। इसमें उन लोगों ने अपराध करने के बाद दो मोटरसाइकिल से अपराध हुआ था, शाइन मोटरसाइकिल थी और अपाची मोटरसाइकिल थी, 4 लोग थे। वो लोग अपराध करने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर होते हुए बाईपास पर टच करते हैं और दोनों मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि पुलिस कैसे अनुसंधान करती है, और दूसरी गाड़ी से फिर भागते हैं। लेकिन प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।